Amar Shankar Sable. Hindavi Swaraj Nirmata, Chhatrapati Shivaji Maharaj ki Jai Jai Kar karke, Sabhapati Mahoday, main apne vichar vyakt karna chahta hu. Mahamano Bharat Ratna Dr. Bhimrao Baba Sahab Ambedkar ji ne is Bharat desh ka samvidhan likha aur jis samvidhan par pura desh chalta hai, उस मुखनायक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को मैं हृदय से वंदन करता हूं। सभापति महोदय, जिस सदन में बड़े बड़े महानुभाव ने देश हित में काम करके देश की गरिमा बढ़ाई, उन सभी को मैं नमन करता हूं। इस सदन में काम करने का जिन्होंने मुझे मौका दिया और जिन्होंने कहा इस देश का संविधान अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा होता तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। वो श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मेरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी शाह को मैं अभिवादन करता हूँ। और इस सदन के सभी नेता और सांसद को प्रणाम करके मैं अपने विचार अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन अधिनियम पर आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनके नेतृत्व में काम करने वाले सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जी और उनके सरकार का धन्यवाद देता हूं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी के 125वीं जन्मगांठ वर्ष को समता वर्ष घोषित करके पूरे देश में समरसता का भाव प्रकट किया है। इस 125वीं जन्मगांठ वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम ये समरसता का भाव की पहचान देने वाला संशोधन है। इस संशोधन की बहुत कुछ विशेषता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के किए गए सख्त प्रावधानों के बावजूद अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध जारी अत्याचार चिंता का विषय है। एससी और एसटी के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार होने की अधिक घटनाएं यह भी दर्शाती है कि पीओ अधिनियम का निरोधक प्रभाव अपराधियों पर समुचित रूप से नहीं पड़ रहा है। अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक न्याय प्रदान करने के साथ साथ अपराधियों पर सख्त निवारक प्रभाव डालने के उद्देश्य से इस अधिनियम को समुचित रूप से सुदृढ़ किए जाने तथा इस अधिनियम के संगत प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया गया है था। संशोधन अधिनियम के और भी कुछ मुख्य विशेषता है। अत्याचार के नए अपराध जैसे सिर मुछ मुंडवाना अथवा इस प्रकार के अन्य कार्य जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले है, जूतों का हार पहनाना, सिंचाई सुविधाओं को और जंगलों में प्रवेश करने से रोकना, मानव अथवा पशुओं के शवों को निपटान अथवा उन्हें उठाना अथवा कब्र खोदना, हाथ से महिला उठाने के लिए कहना, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला को देवदासी बनाना, जातिगत नाम से गाली देना, जादू टोना करके अत्याचार करना, सामाजिक अथवा आर्थिक बहिष्कार करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने से रोकना, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को निर्वस्त्र करके चोट पहुंचाना, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का घर गांव अथवा आवास छोड़ने के लिए मजबूर करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की पवित्र वस्तुओं को दूषित करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कामुक रूप से स्पर्श करना अथवा ऐसे शब्दों का उपयोग करना, ऐसे कार्य करना अथवा भावभंगिमा। दूसरा मुद्दा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आहत करने, गंभीर रूप से चोट पहुंचाने, धमकाने, अपहरण करने आदि जैसे कतिपय आईपीसी अपराधों को पीओ अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के रूप में शामिल करना, जिनके लिए 10 वर्ष के कम अवधि के कारावास का प्रावधान है, पूर्व में 10 वर्षों अथवा इससे अधिक अवधि की सजा के प्रावधान वाले आईपीसी में सूचीबद्ध तथा अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों को ही पीओ अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में माना जाता था। मामलों के शीघ्र और त्वरित निपटान के लिए
पीओ अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य रूप से विचारण हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा अनन्य विशेष लोक अभियोजक का वर्गीकरण, अपराध का सीधे संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों की शक्ति तथा चार्जशीट दायर करने की तारीख से 2 माह के भीतर मामले का विचारण यथासंभव पूरा करना। लेकिन यथासंभव ये शब्द निकाल देना चाहिए, क्योंकि यथासंभव निकाला न गया तो मामले का विचारण करने की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए यथासंभव निकाल के 2 महीने या 3 महीने के अंदर भीतर मामले का विचारण पूरा करना। अपील पर नई धारा जोड़ना, निर्णय विरुद्ध आदेश के दिए जाने के तारीख से 19 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जानी होती है। पीड़ितों और गवाहों के अधिकार पर एक अध्याय जोड़ना, पीड़ितों उनके आश्रितों और गवाहों के लिए जबरदस्ती हिंसा और शोषण के विरुद्ध प्रावधान करने का दायित्व राज्यों पर डाला गया है। शिकायत दर्ज करने, गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने, जांच करने और आरोप पत्र दाखिल करने तथा इस अधिनियम और नियमावली में विधिनिष्ठ किसी अन्य कर्तव्य का वहन करने में सरकारी कर्मचारी की जानबूझकर लापरवाही को परिभाषित किया गया है। अपराधों की अवधारणा को जोड़ना, यदि आरोपी पीड़ित अथवा उसके परिवार को पहले से जानता है तो न्यायालय ये मानेगा कि आरोपी को पीड़ित की जाति अथवा जनजाति के बारे में पहले से संज्ञान था, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो। यह सब विशेषताएं इस अमेंडमेंट में है। इससे जिस एससी एसटी के ऊपर अत्याचार हुआ है उनको जल्द न्याय और राहत मिलेगी और अत्याचार करने वालों को सख्त दंड मिलेगा। एक तरफ कानून में अमेंडमेंट करके एससी एसटी वर्गों को न्याय देना और दूसरी तरफ एससी एसटी का विकास करने हेतु अनेक योजना मोदी सरकार ने बनाई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय का अधिदेश एक ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें लक्ष्य समूह अपनी समृद्धि और विकास के पर्याप्त समर्थन के साथ उपयोगी, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015-16 दिनांक 1 जनवरी 2016 को भारत के राज्यपत्र असाधारण में अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 26 जनवरी 2016 से लागू हो गया है। वर्ष 2015 में सांसद ने संविधान आदेश संशोधन अधिनियम 2015 पारित, जिसके माध्यम से हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा और दादर और नागर हवेली में अनुसूचित जातियों की सूची में नए समुदाय को जोड़ा गया था। अनुसूचित जाति उद्यमों के लिए उद्यम पूंजी निधि योजना के तहत 135.91 करोड़ रुपए के 36 प्रस्ताव अनुमोदित है। 15 मामलों के लिए 64.86 करोड़ रुपए का वितरण कर दिया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम ने 250 महिलाओं को मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 60 महिलाओं को काम भी मिल गया है। एनएफडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रुपए के से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी गई है। 2.5 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को स्टैंडअप इंडिया में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ये भी योजना बनाई है। ₹500 करोड़ का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमों के लिए हब तैयार करने की योजना है। मुद्रा योजना में आज तक करीब 3.22 करोड़ ऋण दिए गए हैं। उनमें से 72.89 लाख ऋण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए गए हैं। भारत सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के पास सामान और सर्विस खरीदने के विशेष प्रावधान है, जिनके अनुसार कम से कम 20% खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यम से और कम से कम 4% की खरीद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमी से करवाने के लिए सशक्त कार्रवाई की जा रही है। इस देश में न बल्कि अनुसूचित जाति जमाति वर्ग पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ मोदी सरकार ने जंग छेड़ी है। उसके बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर जी के 125वीं जन्मगांठ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो पावन पंचतीर्थ है उसका भी विकास करने का मोदी जी सरकार ने काम शुरू किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जहां जन्म हुआ वो महू गांव,
बाबा साहब अंबेडकर जी का जहां आखिरी सांस उन्होंने ली वो 26 अलीपुर का बंगला, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जहां बौद्ध धम्म की दीक्षा ली वो नागपुर की दीक्षा भूमि, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो मूल गांव वो रत्नागिरी जिला में अंबड़वे गांव है उसका भी निर्माण उन्होंने हाथ में लिया है। और मुझे उम्मीद है बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल गाँव अंबड़वे है वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा स्मारक कहीं भी नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन लेके मोदी सरकार चल रही है, इसलिए इस संविधान के संशोधन में मैं उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।